हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। आज मैं आपको इस वीडियो में रीजनिंग पज़ल का फ्लोर वाला सेटिंग अरेंजमेंट बताने जा रहा हूँ कि कुछ आजकल जो SBI में मेनली सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IBPS PO में भी आ रहे हैं, लेकिन SBI का पेटेंट है एक फ्लोर से क्वेश्चन आना ही है। मतलब कैसा रहता है कि 7 से 8 फ्लोर आपको दे दिया जाता है, उसमें कुछ लोग रहेंगे कि कोई 4th फ्लोर पे रहेगा, कोई 5th फ्लोर पे रहेगा बिल्डिंग के, और कोई कुछ कार पसंद करेगा या किसी को कोई मूवी पसंद होगी, कुछ इस टाइप से वो बताते हैं। तो इसी टाइप का मैंने एक पज़ल लिया है, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें हम फिर अपना पज़ल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पज़ल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये पज़ल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, अ बिल्डिंग हैज़ 7 फ्लोर्स। एक बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर्स हैं, ठीक है, नंबर 1 to 7 है, इन सच अ वे दैट ग्राउंड फ्लोर जो होगा आपका 1 होगा, मतलब नीचे से होगा, इसे ग्राउंड फ्लोर से होगा 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है, दिया हुआ है। अब उसमें क्या है कि, ठीक है, अब उसमें क्या है कि कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, 7 लोग रह रहे हैं उसमें, ईच पर्सन ऑफ, ठीक है, 7 लोग हैं, रवि, सना, टोनी, उमा, विक्की, वारसी एंड जैक, ये 7 लोग हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मूवी, दिलवाले, फैन, रईस, देवास, है ना, देवदास, डर, स्वदेश एंड पहेली, ये इनको मूवी पसंद है, ठीक। तो अब इससे हमको क्या पता चल गया कि हमको टेबल्स बनानी कितनी है। जैसा कि आप ये पार्ट जो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फर्स्ट सेकंड भी देख लें, शुरू के पार्ट भी देख लें, अभी तक जितने मैंने अपलोड किए उसमें मैंने बताया है कि अप्रोच लगाते कैसे हैं ना, कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्या करना पड़ता है। तो टेबल बनाई जाती है ना, बिना टेबल बनाए हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, तो टेबल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको भी टेबल बनाई है, तो देखें टेबल क्या क्या बनेगी। ये मैंने एक टेबल ले रखी है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिल गया हमको, एक मिल गया फ्लोर, दूसरा मिल गया आपका पर्सन के लिए, और तीसरा क्या मिल गया, मूवी के लिए। 3 चीज़ दी हुई है ना, तो हमने बना लिया। अब फ्लोर में भी उसने बोला है कि जो ग्राउंड फ्लोर है आपका, है ना, फ्लोर में भी क्या बोला है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका फर्स्ट रहेगा। तो ग्राउंड फ्लोर का क्या है, हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स, और ये हो जाएगा आपका 7। 7 है, पर्सन के नाम ठीक है दिए हैं, मूवी ये हमको जमाना है, ठीक है, चलिए इतना हो गया ना। अब ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये वाला द वन, यहाँ से पजल हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से तो पढ़ते हैं। द वन हु लाइक फैन मूवी लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप है ना, सबसे टॉप में, तो टॉप में मूवी किसको, जो 7th पे है, जिसको फैन पसंद है, तो वो टॉप में रहता है, तो हमने लिख लिया फैन पसंद है उसको, ठीक है। रवि लिव्स ऑन 4th फ्लोर एंड लाइक स्वदेश। अब रवि जो है आपका कहाँ रह रहा है, 4th फ्लोर में, तो RAVI रवि हो गया, और इसको पसंद कौन सी है, स्वदेश, है ना, स्वदेश पसंद है, ये दिया हुआ है। चलिए, विक्की लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो वारसी फ्लोर, मतलब अब यहाँ पे हम इसको साइड में लिख लेते क्या, कि वारसी जिस फ्लोर पे रहता है जस्ट उसके नीचे कौन रहता है आपका, वारसी जहाँ रहेगा जस्ट उसके नीचे रहेगा आपका विक्की, ये हमने साइड में लिख लिया ये हमको, ठीक है। चलिए, द वन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर लाइक्स रईस मूवी, अब जो 6वें पे रह रहा है उसको कौन सी मूवी पसंद है ना, रईस, ठीक है, लिख लिया हमने, ठीक है। अब वारसी डज नॉट लिव ऑन द 2nd और 7th, अब एक चीज पता चल गया कि वारसी यहां नहीं बैठ सकता, 7th पे नहीं बैठ सकता, और कहां नहीं बैठ सकता आपका, 2nd पे, तो यहां भी नहीं बैठ सकता वारसी, तो ये तो कट हो गए, 2 चीज कट हो गया, ठीक है। चलिए, देयर आर 3 पीपल बिटवीन द पर्सन हु लाइक डर एंड रईस, है ना, डर और रईस, यानी कि देखिए रईस हमारा यहाँ हो गया, और डर उनके बीच में कितने 3 लोग रहेंगे, है ना, तो रईस यहाँ है, तो 1 2 3, यानी कि डर कहाँ होना चाहिए, डर जो रहेगा वो 2nd पे रहेगा आपका, क्यों, क्योंकि बोल रहा है ना रईस और डर के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं, डर यहाँ आना चाहिए, हमने 2nd पे उसको बैठा दिया, आगे देखेंगे गलत है कि सही, अभी तो हमने जमा लिया जैसा हमको दिया हुआ था। टोनी डज नॉट लिव इन ऑड नंबर, अब टोनी जो है ऑड पे नहीं है, यानी कि टोनी जो है आपका यहाँ भी नहीं होगा,
यहाँ भी नहीं होगा टोनी, टोनी यहाँ भी नहीं होगा और टोनी यहाँ भी नहीं होगा। तो टोनी कहाँ कहाँ हो सकता है? सेकेंड, फोर्थ और कहाँ हो सकता है? सिक्स्थ पे हो सकता है टोनी आपका। तो टोनी कहाँ हो सकता है, यहाँ लिख लीजिए साइड में, टोनी कहाँ कहाँ हो सकता है? सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक, अब लिख लिया। सना डज नॉट लिव ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो टोनी, यानी कि जो टोनी है, टोनी के ऊपर सना नहीं है और नीचे भी सना नहीं है। लिख लिया हमने, यहाँ भी नहीं होगी वो, यहाँ भी नहीं होगी, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे नहीं होगी। ठीक है, रवि डज नॉट लाइक पहेली मूवी। अब जो रवि है तो ठीक है, रवि तो वैसे ही स्वदेश कर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं। द पर्सन हु लाइक्स पहेली मूवी इज नॉट द नेवर ऑफ विकी, मतलब विकी के जस्ट वो यहाँ पे, मतलब विकी के जस्ट नीचे नहीं होगा जिसको पहेली पसंद होगी। ठीक, चलिए। उमा डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, यानी कि अब यहाँ पे उमा भी नहीं है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे उमा भी नहीं है। ठीक है, चलिए। जैक डज नॉट लिव ऑन द एनी फ्लोर बिलो विकी, मतलब जो जैक है ना, तो विक्की के नीचे नहीं है, यानी कि विक्की कहीं भी बैठेगा, जैक जो है विक्की से हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो जैक ऊपर रहेगा। ठीक है, हमने अभी लिख लिया। द वन हु लाइक्स दिलवाले मूवी डज नॉट लिव इन फ्लोर इमीडिएटली अबव विक्की। अब जिसको दिलवाले पसंद है ना, वो विक्की के ऊपर नहीं है, है ना, इमीडिएट ऊपर नहीं है। ठीक, अब देखिए, इतना पढ़ा तो हमको क्या मिला, अभी इतनी सी चीज़ें मिली। ठीक, अब हम एक बार और मतलब पढ़ते हैं, पजल। देखिए, सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा हम चेक कर लें कि यहाँ कौन कौन आ सकता है। देखिए, उमा नहीं आ सकती, टोनी नहीं आ सकती, वारसी, मतलब उमा, टोनी, वारसी, ये लोग नहीं आ सकते, इन तीनों में से कोई नहीं आ सकता। रवि भी नहीं आ सकता क्योंकि रवि तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया है। ठीक, बैठ गया है ना। अब तो यहाँ पे बचा कौन कौन? टोनी नहीं आ सकता, उमा नहीं आ सकता, है ना, उसके बाद वारसी नहीं आ सकता और आपका रवि नहीं आ सकता। आ कौन कौन सा सकते हैं? सना, कौन कौन आ सकते हैं आपके? सना, विक्की और जैक, इन तीन में से कोई भी आ सकता है, आ सकता है ना। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे अब आपका रवि भी नहीं मतलब यहाँ पे आपका विक्की नहीं आ सकता। क्यों? बोला है कि जो वारसी के जस्ट नीचे विक्की आएगा, वारसी के जस्ट नीचे विक्की आएगा, तो जब भाई वारसी यहाँ बैठ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे आप विक्की को कैसे बैठा सकते हो ना, विक्की तो हमेशा वारसी के नीचे ही रहेगा ना, तो यहाँ विक्की भी कट हो गया, तो आपका विक्की भी क्या हुआ, विक्की भी कट हो गया ना, क्योंकि बोला गया है कि वारसी के नीचे विक्की आएगा, तो यहाँ पे आपका वारसी मतलब विक्की भी नहीं गया। चलिए, तो विक्की भी खत्म हो गया। अब बचे कौन से? जैक और सना, जैक और सना बचे। अब जैक और सना में से कौन बैठ सकता है? ठीक, जैक और सना में कौन बैठ सकता है? तो देखिए, अगर ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सना को बैठा दिया है ना, अगर हमने यहाँ पे सना को बैठा दिया तो दिक्कत क्या जाएगी आपको पता है? सना को अगर यहाँ बैठा दिया तो क्या बोला है, ये वाली जो हमने लाइन लिखी थी कि जो टोनी है, टोनी के ऊपर सना नहीं आएगी कभी भी, ना नीचे। तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ सना बैठा दिया और टोनी, अगर टोनी को बोला गया है कि वो इवन पे बैठ रहा है और टोनी यहाँ मान लीजिए बैठ गया, है ना, मान लीजिए टोनी अगर 6 पे बैठ गया तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि सना भी नहीं बैठ सकती, टोनी, उमा, विकी, वारसी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक बचा कौन? जैक। तो यहाँ पे बैठेगा आपका जैक। ठीक, ये बैठ गया आपका जैक। ठीक, हो गया, इतनी चीज मिल गई। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, अब फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा हमको पजल, क्योंकि फिर पढ़ेंगे तो फिर कुछ कुछ चीजें हमको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि जिसको फैन पसंद है वो टॉप मोस्ट पे है, तो जैक को फैन पसंद है और वो टॉप मोस्ट पे आ गया। रवि फोर्थ पे है, स्वदेश पसंद है। ठीक है, विकी लिप्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो वारसी, तो है ना, वारसी के जस्ट नीचे है आपका विकी, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, द वन हु लिव्स ऑन सिक्स्थ फ्लोर लाइक्स रईस मूवी, सिक्स्थ पे जो है उसको रईस पसंद है। ठीक है, वारसी डज नॉट लिव ऑन द सेकेंड और सेफ, मतलब यहाँ पे भी वारसी नहीं है और यहाँ भी वारसी नहीं है। ठीक है,
द वन हु लिव्स ऑन सिक्स फ्लोर लाइक रहीस, ठीक है ये हो चुका है। देयर आर थ्री पीपल बिटवीन, ये भी हमने कर लिया है। टोनी डज नॉट लिव एन ऑड नंबर, अब देखिए टोनी का ये वाला अपन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे टोनी नहीं बैठ रहा, यहाँ तो अब बैठ ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं बैठ रहा, यहाँ भी नहीं बैठ रहा, और यहाँ ठीक है यहाँ बैठ सकता है, मतलब वो दो पे बैठ सकता है, चार पे बैठ सकता है, छः, तो चार तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, हो गया ना चार कैंसिल आउट, क्योंकि चार पे तो रवि बैठ गया। बचा क्या है आपके पास, एक सिक्स नंबर का फ्लोर और एक सेकेंड नंबर का फ्लोर, ठीक है। तो अब क्या, अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी हमको पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। तो मान लीजिए हमने सिक्स नंबर पे बैठा दिया टोनी को, ठीक है, मान लीजिए हमने सिक्स नंबर पे बैठा दिया टोनी को, टोनी बैठ गया सिक्स नंबर पे, ठीक है अभी हमने बैठा दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक। सना डज नॉट लिव ऑन फ्लोर इमिडिएटली अबव और बिलो द टोनी, ठीक है। मान लीजिए हमने टोनी को यहाँ छः पे बैठा दिया, तो सना ऊपर तो जाएगी नहीं, ऊपर जैक है, और पांचवें नंबर पे भी सना नहीं आएगी, यहाँ भी सना नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ भी सना नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमारा ठीक चल रहा है। चलिए अब रवि डज नॉट लाइक पहेली मूवी, ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं। द पर्सन हु लाइक्स पहेली मूवी नॉट द नेवर ऑफ विकी, मतलब जिसको पहेली पसंद है वो विकी का नेवर नहीं है, ठीक है। चलिए उमा डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, है ना, तो उमा यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक है, अब यहाँ उमा बैठ नहीं सकती, ठीक है। चलिए जैक डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो विकीज, अब जो जैक है ऊपर बैठेगा, यानी कि इसी के जस्ट नीचे कहीं ना कहीं विकी होगा, ठीक है। द वन हु लाइक्स दिलवाले मूवी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर इमिडली अब द विकी, देखिए फिर से हमको कुछ नहीं मिला, ठीक, लेकिन एक चीज़ तो हमको मिल चुकी है ना, टोनी हमने यहाँ जमाया है। अब क्या, अब देखिए, अब ये जो पांचवा नंबर का बचा है, यहाँ पे आप वारसी को बैठा सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं बैठ सकता वारसी, क्योंकि बोला गया है कि जहाँ भी वारसी बैठेगा उसके जस्ट नीचे ही विकी बैठेगा, जहाँ भी वारसी बैठेगा उसके जस्ट नीचे ही विकी बैठेगा। तो अगर हमने यहाँ वारसी को बैठाया तो फोर्थ पे हमको रवि को विकी को बैठाना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पे वारसी को बैठा सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि सेकंड पे वारसी नहीं बैठेगा, तो थर्ड पे हम वारसी को बैठाते हैं। कहाँ पे बैठाते हैं, थर्ड पे अगर हम वारसी को बैठाते हैं तो जस्ट नीचे कौन हो जाएगा आपका, विकी हो जाएगा, जस्ट नीचे कौन हो जाएगा आपका, विकी हो जाएगा, ठीक है, जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा, विकी हो जाएगा। और अभी जस्ट हमने एक लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी उसके बारे में, सना के बारे में, सना डज नॉट लिव ऑन फ्लोर इमिडिएटली अबव, है ना, क्या अबव और बिलो टोनी फ्लोर्स, है ना, अबव और बिलो टोनी फ्लोर, मतलब टोनी के ना ऊपर और नीचे सना नहीं आ सकती, मतलब अब सना यहाँ भी नहीं आ सकती, है ना, सना यहाँ भी नहीं आ सकती, और ऊपर तो जैक बैठा ही है, तो सना कहाँ गई, अब एक ही जगह बचा है नीचे, तो सना हो जाएगी आपकी नीचे, ये हो गई सना, ठीक। अब एक कौन बच गया आपका, उमा, तो उमा कहाँ बैठेगी, उमा बैठ जाएगी आपकी यहाँ पे, बैठ गई उमा। अब थोड़ा मूवी का देख लेते हैं ना, मूवी कैसे, नाम तो जम गए, मूवी कैसे करेंगे, ठीक। तो अभी बोला था सना डज नॉट लिव इन, ठीक है ये हो गया, रवि को पहेली पसंद नहीं, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स पहेली मूवी इज नॉट द नेवर ऑफ विकी, यानी कि वारसी को भी पहेली पसंद नहीं है और सना को भी पहेली पसंद नहीं है, क्योंकि उसने बोला विकी के नेवर नहीं है, तो ना वारसी को पहेली पसंद होगी ना सना को पहेली पसंद होगी, तो बचा कौन, पहेली किसको पसंद होगी, तो पहेली पसंद होगी आपको उमा को, तो पहेली किसको पसंद हो गई आपको, उमा को पसंद हो गई पहेली। अब बच गए वारसी और सना के बारे में, है ना। अब देखिए ये लास्ट वाली अगर लाइन पढ़ते हैं, द वन हु लाइक्स दिलवाले मूवी डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमिडिएटली अबव विकी, अब जिसको दिलवाले पसंद है वो मतलब विकी के ऊपर नहीं रहता, यानी कि विकी के ऊपर कौन है, वारसी, उसको दिलवाले पसंद नहीं, तो दिलवाले किसको पसंद हो जाएगा, दिलवाले किसको पसंद हो जाएगा आपका, सना को। अब बस एक मूवी और कौन सी बच गई, एक मूवी कौन सी बच गई, देवदास, तो देवदास कौन करेगा, वारसी, सिंपल हो गया ना। बस वही है
कि ये चीज जो मैं साइड में करता हूं ना, ये चीज आपको भी एग्जाम में करनी है। यही एक मात्र उपाय है जिसके थ्रू फ्लोर हो। अब यहां पे देखिए, फैन दिया था, इसी में चेंज क्या होता है, यहाँ पे कार दे देता आपको, ठीक है, बस इतना ही चेंज होता है। कार दे देंगे या फिर बोल देंगे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, एयर हॉस्टेस है, मतलब इस टाइप से दे देंगे, उनके डिस्क्रिप्शन मतलब डेजिग्नेशन दे देंगे, बस इससे ज़्यादा चेंज नहीं होता। यही चीज़ रहती है, यही डिफिकल्टी रहती है, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे वो SBI PO हो, डिफिकल्टी ऐसी ही रहेगी। बस आपको वही है कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लगाना है कि कौन कहाँ बैठ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कट किया कि उमा नहीं बैठ सकती, टोनी नहीं बैठ सकती, वारसी नहीं बैठ सकती, रवि भी नहीं बैठ सकता, तो जिस टाइप से मैंने एस्केप किया ना, इसी टाइप से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है ना इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, है ना। ठीक है, तो ये हमारी पजल क्या हो गई आपकी, सॉल्व हो गई। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले कि टोनी को कौन सी मूवी पसंद है, तो रही, सना को कौन सी मूवी पसंद है, तो दिलवाले, डर किसको पसंद है, तो विक्की को, देवदास किसको पसंद है, तो वारसी को, टोनी किस फ्लोर पे रहता है, सिक्स्थ पे, थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, तो वारसी, सेवन्थ फ्लोर पे कौन रहता है, जैक, फैन जिसको पसंद है वो किस मूवी किस फ्लोर पे रहता है, तो सेवन्थ फ्लोर पे रहता है, स्वदेश जिसको पसंद है वो किस फ्लोर पे रहता है, तो फोर्थ, दिलवाले जिसको पसंद है वो किस फ्लोर पे रहता है, तो फर्स्ट, फैन और दिलवाले के बीच में कितने फ्लोर हैं, पहेली और फैन के बीच में कौन रहता है, मतलब इस टाइप से कुछ भी बन जाए वो आपसे बन जाएगा अगर आपने ये चार्ट बना लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार में मुझे लगता है कि ये आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, शुरू के आपने मेरे पूरे पार्ट अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छा है, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से देखें, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम है, आपको समझ में आ जाएगा कि पजल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पजल हो गया हमारा सॉल्व, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप पजल हमारा पार्ट 11 देख पाएंगे और पार्ट 13 देख पाएंगे, ये पार्ट 12 है तो पार्ट 11 भी देख सकेंगे, और जल्द ही पार्ट 13 में अपलोड करूंगा तो आप उसको भी देख पाएंगे। तो अगर आपको ये पजल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralight, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि SBI आ चुकी है और जल्द ही फिर IBPS PO क्लर्क SO सब आ जाएंगे, और पजल वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में 30 से 35 नंबर हमारे पजल से ही मिलते हैं, तो मैं आपके पूरे 30 से 35 नंबर ज़रूर दिलवाऊंगा आपको। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।